स्वागत है दोस्तों आपका कन्फ्यूज़न 9.2.11 में। आज हम यहाँ बात करेंगे बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का जो असिस्टेंट मैनेजर का जो एग्ज़ाम हो रहा है और हो गया है, उससे उस एग्ज़ाम के कट ऑफ से रिलेटेड कितना कट ऑफ जाएगा, कितना पे मेरिट बनेगा। तो चूंकि बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की तरफ से जो असिस्टेंट मैनेजर का एग्ज़ाम जो हुआ है, पीटी का एग्ज़ाम, उसके कट ऑफ बताने से पहले मैं यहाँ कुछ बात रखना चाहता हूँ, और वो है कि यहाँ पे टोटल सीट आपका 108 है, यानी जो टोटल सीट है वो 108 है, यानी कि बहुत कम सीट है। इसमें आपका जनरल, एमबीसी, डब्ल्यूबीसी, एससी, एसटी सब आ गए हैं इसमें, तो ये सीट बहुत कम है। तो इस हिसाब से कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाएगा पीटी में। और इसका पहला जो मैंने वीडियो बनाया था, वो वीडियो बनाया था मैंने असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ का, बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का ही था। तो वो अगर कोई नहीं देखे होंगे तो वो देख लीजिए, यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ कि असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ में जो टोटल सीट था वो 326 सीट था, और इसका जो एग्ज़ाम लेवल जो था वो ईजी था, तो इसलिए इंग्लिश में जो 30 था, गुड अटैम्प्ट 25 था, रीजनिंग में 35 क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें गुड अटैम्प्ट 25 था, और न्यूमेरिकल एबिलिटी में 35 क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें गुड अटैम्प्ट 25 था। तो इस तरह से 75 गुड अटैम्प्ट आपका हो रहा था इसमें। और इसका जो कट ऑफ मैंने बताया है वो है जनरल का 69, एमबीसी मतलब मोस्ट बैकवर्ड क्लास का 66, बीसी का बैकवर्ड क्लास का 68, डब्ल्यूबीसी यानी वोमेन बैकवर्ड क्लास का 64, एससी का 65 और एसटी का 61 कट ऑफ। ये असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ का था। अब आइए जो असिस्टेंट मैनेजर का है उसका जो क्वेश्चन है वो मैं बता देता हूँ कि इसमें कौन सा क्वेश्चन कैसा था, इजी लेवल का था या मीडियम या टफ। तो ये है कट ऑफ मैं असिस्टेंट मैनेजर का बताने जा रहा हूँ। तो उसके बताने से पहले टोटल सीट मैंने बता दिया कि 108 था असिस्टेंट मैनेजर का, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज जो था उसमें 30 क्वेश्चन था, ये इजी मीडियम का था, तो इसमें 25 क्वेश्चन गुड अटेम्प्ट है। उसी तरह रीजनिंग का था वो 35 क्वेश्चन था, 35 क्वेश्चन में आपका 22 जो सॉल्व किया वो गुड अटेम्प्ट है, यानी कि ये इजी टू मॉडरेट था। रीजनिंग इजी नहीं था बल्कि मॉडरेट की तरफ ज़्यादा था। उसी तरह न्यूमेरिकल एबिलिटी में 35 क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें गुड अटेम्प्ट आपका 20 क्वेश्चन है, यानी कि आउट ऑफ 100 में टोटल 67 जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं विथ एक्यूरेसी, दो चार नंबर आपका इंग्लिश लैंग्वेज या फिर रीजनिंग में गलत हो सकता है या फिर मैथ्स में, तो वो नहीं, लेकिन 67 जो एक्यूरेसी के साथ सॉल्व किए हैं उनका गुड अटेम्प्ट 67 है, यानी कि जिन्होंने 67 नंबर तक बनाया है उनका गुड अटेम्प्ट कहा जा सकता है। और इस 67 में कुछ नंबर, तीन चार चार नंबर कुछ गलत भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि जो कट ऑफ आएगा वो कट ऑफ आपका यहाँ पे दिखा देता हूँ। जनरल के लिए जो जाएगा असिस्टेंट मैनेजर में वो 59 नंबर रहेगा कट ऑफ, एमबीसी यानी कि मोस्ट बैकवर्ड क्लास का जो कट ऑफ होगा वो 57 नंबर, ये सब आउट ऑफ 100 का बता रहा हूँ, 57 नंबर जाएगा। बीसी बैकवर्ड क्लास का 58 नंबर, डब्ल्यूबीसी मतलब वोमेन बैकवर्ड क्लास का 56 नंबर कट ऑफ जाएगा, एससी यानी शेड्यूल कास्ट का यहाँ पे सुधार कर लीजिएगा, ये शेड्यूल कास्ट का यहाँ पे 54 नहीं, उल्टा हो गया, यहाँ पे 57 शेड्यूल कास्ट का, और एसटी का शेड्यूल ट्राइब का जो है वो आपका 54 रहेगा, यानी कि शेड्यूल कास्ट का 57 नंबर और शेड्यूल ट्राइब का 54 नंबर कट ऑफ जाएगा। अब तक मैंने जितना भी प्रेडिक्शन किया है लगभग सब कुछ सही गया है, और ये भी आप भी कमेंट करके, अगर आप असिस्टेंट मैनेजर का एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपको अच्छी तरह से पता होगा कि कितना क्वेश्चन किस लेवल का था और कितना कट ऑफ जाना चाहिए आपके उम्मीद से। तो अगर आप असिस्टेंट मैनेजर का एग्ज़ाम दिए हैं तो कमेंट करके बताइए कि क्या एग्ज़ाम का लेवल कैसा था और कट ऑफ आपके हिसाब से कितना जाने का संभावना है, ये कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।